जनता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ द फैक्ट टाइम में। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा की एक महिला, जिनसे हम पूछेंगे डेरा सच्चा सौदा क्या सच, और सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा निकर्षण। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा इंसा है। मैम आप कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं? मैं 15 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ। मैम आप पिछले 15 साल से, इतने लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पिताजी ने बहुत से मानवता भलाई के काम करे हैं, जैसे खूनदान, जीते जी गुर्दा दान, गरीब लोगों को मकान बना के देना, बहुत से ऐसे मानवता भलाई काम करे हैं जिनकी वजह से मैं उनसे जुड़ी हूँ। आपने अभी कहा कि गुरु जी ने मानता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, खून दान, गरीब लड़की की शादी करना, ये सब कार्य चलाए, जीते थे गुर्दा दान, क्या गुरु जी इतने सालों से समाज में नहीं है, क्या ये कार्य अभी भी चल रहे हैं समाज में? हाँ जी, आपको क्या लगता है कि समाज को गुरु जी की ज़रूरत है? हाँ जी, आपको ये लगता है कि समाज को गुरु जी की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है गुरु जी की? ताकि ये मानवता भलाई के कार्य आगे भी चलते रहे, लोगों में आगे उनको प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए उनको ज़रूरत है। आपने क्या बदलाव देखा है जब से गुरु जी इस समाज में नहीं है? इस समाज में जब से गुरु जी नहीं है, तब आपने लोगों में क्या बदलाव देखा है? बुराइयाँ बढ़ गई हैं, नशा बढ़ गया है, मतलब हिंसा होने लगी है, नशे की वजह से लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो यही। आपको क्या, आप डेरा सच्चा सौदा में आए हुए हैं इस टाइम, आपको क्या लगता है आपका ये डेरा सच्चा सौदा में आना सही है? हाँ जी, आपने कहा डेरा सच्चा सौदा में आना सही है, क्या डेरा सच्चा सौदा में लड़कियां सुरक्षित हैं? हाँ जी, सुरक्षित हैं। आप इस वीडियो के दौरान हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं ये सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, वो पाक पवित्र हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी निर्दोष। तो देखा दर्शकों आपने कि कैसे एक महिला ने गुरुजी पर इतना विश्वास कर रखा, पिछले 15 सालों से वह डेरा सच्चा सौदा में आ रही है, और इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अब डेरा सच्चा सौदा में आ रही है। तो आप लोग अपने खुले दिमाग से सोचिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्यों मीडिया ने, क्यों समाज ने डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर ऐसे आरोप लगाए। देखते रहे द फैक्ट टाइम, सच्ची बात